नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इंदौर से ये बड़ी खबर है, राजनीति में विशेष योगदान के लिए सम्मान। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का होगा सम्मान, ये बड़ी खबर। दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों होगा पद्म भूषण से सम्मान। सुमित्रा महाजन 8 बार रह चुकी है सांसद और ऐसे में राजनीति में विशेष योगदान दिया है सुमित्रा महाजन ने और अब उन्हें पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें सम्मानित करें। तो ये इंदौर से बड़ी खबर है। राजनीति में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अहम भूमिका निभाई है और दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों पद्म भूषण से उनका सम्मान किया जाएगा। सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि सुमित्रा महाजन 8 बार रह चुकी है सांसद और ऐसे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें सम्मानित करेंगे। तो राजनीति में विशेष योगदान के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। तो इंदौर से ये बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजनीति में विशेष योगदान रहा है सुमित्रा महाजन का और ऐसे में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को सम्मानित किया जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता एहतियात जुड़ चुके हैं। एहतियात, सुमित्रा महाजन जो 8 बार सांसद रह चुकी है, आज उन्हें सम्मानित किया जाएगा। निश्चित ही तरन्नुम, अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो भारतीय राजनीति के अंदर ये कहा जाए सुमित्रा दाई का अपना एक मुकाम है। लगातार 8 बार सांसद रही है और साथ ही साथ इंदौर और पूरे देश में सुमित्रा महाजन को ताई के नाम से जाना जाता है। उनका जो विशेष योगदान रहा है, जिस तरीके से उन्होंने लगातार राजनीतिक करियर के अंदर काम किया है, खासतौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति में वो सक्रिय रही है, इंदौर को बिलोंग करती हैं, आज उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इंदौर वासियों के लिए भी हर्ष का विषय है। साथ ही साथ सुमित्रा ताई जिस तरीके से लगातार काम कर रही थी, लगातार ये कहा जाए कि उन्होंने हर फ्रंट के ऊपर काम किया है, आज ये कहा जा सकता है कि जब सुमित्रा ताई लोकसभा स्पीकर भी रही वो एक बड़े सम्मान की बात थी मध्य प्रदेश के लिए, इंदौर के लिए। लेकिन अब पद्म भूषण की जो उपाधि दी जा रही है कहीं ना कहीं प्रदेश को गौरवान्वित करती हुई नजर आती है, महिला शक्ति को, नारी शक्ति को सम्मानित करती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं इंदौर वासियों के अंदर ताई को ये जो सम्मान मिल रहा है बहुत ज्यादा खुशी है, हर्ष है और ये कहा जा रहा है कि ताई का जो योगदान रहा है वो सराहनीय रहा है। लगातार उनका जो योगदान चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे सामाजिक क्षेत्र के अंदर हो, उन्होंने वो काम किए हैं जो एक महिला होकर उस दौर के अंदर करना भी मुश्किल होता था। जी बिल्कुल एहतियाब, उनका जो योगदान रहा है राजनीति में उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। एहतियाब आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, वापस से रुक करूंगी मैं आपका।